हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन एमसीक्यू एक्सरसाइज। इस वीडियो में मैंने चूज द करेक्ट प्रोनाउन को लिया हुआ है। इसमें 12 क्वेश्चन लिया गया है और सभी में 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से एक विकल्प आपका सही है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका 12 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही रहा। और सभी आंसर को देने से पहले, इसमें क्वेश्चन को आंसर देने से पहले अपने मन में पहले सोच लीजिएगा कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और मैं सभी प्रश्न को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बतलाते चलूँगा। पहला क्वेश्चन आपका है ही सेव्ड वीना एंड, यहाँ पे खाली स्थान है। तो देखिए, ही मतलब सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे उसने बचाया वीना और मुझको। यहाँ पे देखिए, वर्ब के बाद जब भी आप प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो आपका जो अगला आएगा एंड के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव कैसे होगा आपका, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, पहला का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मी, ठीक है। और बाकी ऑप्शन की तुलना कर लेते हैं, ये आपका क्या होता है सब्जेक्टिव केस होता है आई, माइन आपका पजेसिव दिखाता है, अधिकार दिखाता है, और डी ऑप्शन आपका क्या होता है एडजेक्टिव होता है। चलिए दो नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान इज अ न्यू कार, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, खाली स्थान पहले भर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसको भरना आप लोगों को। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, योर्स इज अ न्यू कार, क्योंकि यहाँ पे पजेशन की बात हो रहा है, अधिकार की बात हो रहा है, यानी कि उसकी मतलब कि उसके, तो योर मतलब तुम्हारा एक नई कार है, तुम्हारा एक नया कार है, यानी इस पर स्वामित्व अधिकार की बात करता है, हक की बात करता है कि मेरा उस पर अधिकार है, हक है। तो देखिए, और जो अन्य ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आपके ये मन में हो कि योर हो सकता है, तो योर क्या होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के लिए आपको नाउन का यूज करना होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और यू आप सोचेंगे कि यू भी हो सकता है, तो यू अगर लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव केस पे, यहाँ पे यू भी हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं होगा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट या तो मेरा नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि योर इसमें आपका करेक्ट है, योर मेरा पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे अधिकार दिखाने की बात कर रहा है। यदि यहाँ पे यू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आप एक नई कार हो, आप एक नई कार हो, तो आप एक नई कार कैसे हो सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर्स ही होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, तीसरा भी क्वेश्चन आपका उसी तरह सा है। यहाँ पे खाली स्थान इज अ ग्रेट कंट्री, यानी कि हमारा देश जो है एक महान देश है, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, यानी कि हमारा एक महान देश है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपके मन में सोचा कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस वी आना चाहिए, मतलब, तो यहाँ पे हम लोग एक महान देश हैं, ऐसे भी सेंस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पजेशन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे भी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, खाली स्थान इज अ गुड हाउस, मतलब कि यहाँ पे हर दिया गया है, सी दिया गया, हर्ष दिया गया है, तो उसका एक अच्छा घर है, गुड मतलब अच्छा, हाउस मतलब घर, यानी कि उसका अच्छा घर है, यानी उसका उस घर पे अधिकार है, ठीक है। यहाँ भी पजेशन की बात हो रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, हर्ष, ठीक है। तो ये मतलब कंफ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ पे इज लगाया गया तो यहाँ पे सी ही आएगा मेरा, ऐसा कोई बात नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकार की बात बारे में बात किया गया है सेंटेंस में। यदि आप यहाँ पे सी रखते हैं तो हो जाएगा सी इज़ अ गुड हाउस, यानी वह एक अच्छी घर है, तो ये आपका ऐसा सेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपका अधिकार के बारे में जो बात करता है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन है, हर मदर इन्वाइटेड, ठीक है, रमन एंड खाली स्थान टू लंच, मतलब उसकी माँ आमंत्रित किया रमन और लंच के लिए, मतलब आमंत्रित किया उसकी माता ने, क्या किया रमन को, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको भरना हम लोगों को, रमन और मेरे को या मुझको, क्या भरेंगे आप यहाँ पे। तो देखिए, जब भी आपका वर्ब मिल जाएगा सब्जेक्ट में, सेंटेंस में आपका वर्ब मिलता है, वर्ब के बाद जो आएगा ऑब्जेक्टिव कैसी होता है, ठीक है। तो रमन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एंड के बाद क्या भरेंगे आप भी ऑब्जेक्ट ही भरेंगे, ठीक है। तो पाँच नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मी, यानी कि उसकी माँ आमंत्रित किया लंच के लिए, मतलब लंच पे खाने के लिए रमन को और मुझको, तो यहाँ पे मी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए, केम हेयर बाय ट्रेन, यहाँ पे केम मतलब यहाँ पे आया या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या भरेंगे आप लोग, यहाँ पे सब्जेक्टिव कैसी भरेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग, सिक्स का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दे, मतलब वे लोग आते हैं यहाँ, ट्रेन से आते हैं, मतलब वे लोग आते हैं, वो आने का काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये अधिकार दिखाने के लिए होता है, ठीक है। चलिए सात नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट के बाद दिया गया खाली स्थान गो, तो देखिए लेट एक वर्ब होता है, लेट क्या होता है, एक वर्ब होता है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ही आपका सब्जेक्टिव केस होता है, हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये आपका ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिम। तो सात नंबर का सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है। इसी तरह आठ नंबर क्वेश्चन आपका है, लेट यू एंड गो, तो देखिए यहाँ पे देखिए लेट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो यहाँ पे दो वर्ब, वर्ब के बाद मतलब दो ऑब्जेक्ट जुड़े हैं एंड से, तो एडजेक्टिव केस ही आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपके मन में सोचता होगा, चलता होगा विचार कि यू तो मेरा सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो देखिए जब यदि वर्ब के बाद यू आता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस ही माना जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे जुड़ा हुआ है एंड से, तो यहाँ भी आप ऑब्जेक्टिव केस ही रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका लेट यू एंड मी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नाइन नंबर क्वेश्चन, मोहन लाफ्ड एट यू एंड, देखिए प्रीपोजिशन के बाद भी आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, और वर्ब के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, तो यहाँ पे वर्ब भी आ गया है और प्रीपोजिशन भी आ गया है, तो यू वहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद भी क्या भरेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट केस ही भरेंगे, ठीक है। तो नाइन का क्या हो जाएगा आपका, मोहन लाफ्ड, मतलब मोहन हंसा तुम पर और मुझ पर, तो यहाँ पे नौ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मी। दस नंबर देखते हैं, दस नंबर क्या है, आई रन फास्टर देन, यहाँ पे देखिए मैंने ऑप्शन लिखना ही भूल गया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को। आई रन फास्टर देन, यहाँ पे क्या होगा, मुझसे तेज दौड़ता है, उससे तेज दौड़ता है, यहाँ पे मैंने देखिए यदि आपका तुलना सब्जेक्टिव केस से होता है तो आपका सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे होना है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया था और ऑप्शन भूल गया था इसमें, तो होगा ही, यानी कि मैं उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ता हूँ, कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही करेक्ट होगा आपका, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे डालना था हीम, ठीक है, हीज, तो इस तरह से ले भूल गया यहाँ पे, तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को कि जब भी आपका सब्जेक्ट से तुलना करेंगे तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे होना है ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। चलिए 10-11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर आपका है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि जो ऑर्डर प्रोनाउन का होता है, सीक्वेंस होता है, क्रम, उसको सही आपको चुनना है। तो देखिए जो जनरली सेंटेंस हम लोग का होता है, जो सकारात्मकता का सेंस देता है, उसको हम लोग 2-3-1 पे रखते हैं, 2-3-1 के हिसाब से रखा जाता है, 231 के हिसाब से, तो देख चेक कर लीजिए इसमें कौन ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो दो आपका यहाँ पे दिया गया है और फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ये तो गलत इसी तरह हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, थर्ड पहले दिया गया है, ये भी नहीं होगा, और सी ऑप्शन में दो पहले दिया गया है, और यहाँ पे देखिए थर्ड, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, तो ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यू एंड ही आई गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि आपका कोई जैसे कि वाक्य में जो हम लोग सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस नकारात्मकता का भाव देता है, या कोई गलती, क्रिमिनल, मर्डर का जो सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें दोषी दिया रहेगा, तो उसमें आप लोगों को 1-2-3 को यूज करना होता है, 1-2-3, यानी फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें देख लीजिए आप लोगों का क्या है, ये सेकंड पर्सन स्टार्ट हुआ है, ये गलत इस तरह हो गया, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे देखिए दो दो वाक्य दिया गया ना, दो दो प्रोनाउन दिया गया है, तो मान लीजिए पहला तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो दूसरा होना चाहिए और तीसरा होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, इस तरह गलत है आपका है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यू एंड ही, 1-2-3 के हिसाब से चेक करेंगे आप लोग, तो मान लीजिए इसमें एक प्रोनाउन नहीं है, तो क्या बचेगा आपका, दो बचेगा और तीन बचेगा, तो यानी कि
तुम और वह दोषी हैं। तो इस तरह से आप लोगों का है। देखिए ये प्रोनाउन एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो था, इसके पहले दो वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, आप लोग जा करके और अच्छे से प्रैक्टिस पर्सनल प्रोनाउन का कर सकते हैं। धन्यवाद।